तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लकड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिसके महज 1 किलो की कीमत 7 लाख रुपए से ज़्यादा है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे दुनिया में कौन सी ऐसी लकड़ी है, चंदन से महंगी भी कौन सी ऐसी लकड़ी है जिसकी कीमत 1 किलो का 7 लाख रुपए है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। अगर आपको थोड़ा भी डाउट जाएगा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आप सर्च कर सकती हैं। जो भी आपका डाउट है क्लियर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कौन सी ऐसी लकड़ी है जो इतनी महंगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक कर देना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और हाँ दोस्तों, आपको नीचे आना कमेंट सेक्शन में, आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, नाइस वीडियो। और दोस्तों, आप इस लकड़ी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ लकड़ियाँ अविश्वसनीय रूप से काफ़ी महंगी होती हैं तो कुछ बेहद ही दुर्लभ होती हैं। वैसे आमतौर पर चंदन की लकड़ियों को ही महंगा माना जाता है जिसकी कीमत 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति किलो तक होती है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जान के हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी लकड़ी भी है जो चंदन की लकड़ी की कीमत से कई गुना ज़्यादा महंगी है। इसे खरीदने से पहले बड़े बड़े अमीर भी 2-4 बार जरूर सोचेंगे। इस लकड़ी का नाम अफ्रीकी ब्लैक वुड है। दोस्तों, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे अफ्रीकी ब्लैक वुड तो आपको वहां पर इसका डिटेल मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं। यह धरती पर मौजूद सबसे मूल्यवान सामग्रियों में से एक है। इस लकड़ी की महज 1 किलोग्राम की कीमत 8,000 पाउंड यानी 7 लाख रुपए से ज्यादा भी है। इतने में तो कोई भी एक अच्छी खासी लग्जरी कार खरीद सकता है। अफ्रीकी ब्लैक वुड पेड़ अन्य पेड़ों की तुलना में धरती पर बेहद ही कम है यानी दुर्लभ है। इसकी ऊंचाई 25 से 40 फीट होती है। अफ्रीकी ब्लैक वुड मध्य और दक्षिणी अफ्रीका के 26 देशों में पाए जाते हैं और यह ज़्यादातर सूखे स्थानों पर ही मिलते हैं। वैसे तो इस पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में 60 साल का समय लग जाता है, लेकिन केन्या और तंजानिया जैसे देशों में इसके लकड़ी की अवैध तस्करी की वजह से समय से पहले इन पेड़ों को काट लिया जाता है। इस ब्लैक वुड की संख्या में भारी कमी आई है जिसकी वजह से यह दुर्लभ हो गई है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अफ्रीकी ब्लैक वुड की लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। आप सोच रहे होंगे इतनी महंगी लकड़ी है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अफ्रीकी ब्लैक वुड लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादातर शहनाई, बांसुरी और गिटार जैसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने के काम में आता है। इसके अलावा इस लकड़ी से मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर भी बनाए जाते हैं, लेकिन वह काफ़ी महंगे होते हैं। इतने महंगे कि उसे खरीदना आम लोगों की बस की बात नहीं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट जाता है तो आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप इस लकड़ी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।